गुड इवनिंग क्लास एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग इस साल फर्स्ट ईयर में अकाउंटेंसी में क्या करने वाले हैं। ये तो पता है कि हम लोग अकाउंटेंसी करेंगे, पर एक अकाउंटेंसी में इस साल बेसिकली क्या सीखने वाले हैं। अकाउंटेंसी एक ऐसा चीज है जो कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को कभी ना कभी मम्मी ने 100 रुपये दिए होंगे कि जाओ बेटा ये सामान लेके आ जाओ। So, हम लोग 100 रुपये मम्मी से लिए और उसमें से हम लोगों ने क्या किया, 100 रुपये में से मान लीजिए 50 रुपये का हम लोगों ने सामान खरीदा और 30 रुपये हम लोगों ने रिक्शा भाड़ा दिया। जब हम लोग घर वापस आए तो मम्मी ने क्या बोला, बेटा कितना रुपए रिटर्न करना है आपको, तो आपने 20 रुपये रिटर्न कर दिया। तब अपने मम्मी को क्या बोला, मम्मी 50 का सामान लाया है और 30 रुपये का रिक्शा भाड़ा लगा है, तो हम लोग के पास बचा कितना, 20 रुपये। ये जो आप लोगों ने हिसाब किया है यही एक्चुअली में अकाउंटेंसी होता है, इसी को हम लोग अकाउंटेंसी बोल सकते हैं। अब ये जो आप लोगों ने हिसाब किया है ये आसान होता है जब चीजें कम होते हो, बट यही चीज थ्रू आउट द डे हर दिन आप लोगों को बल्क में करना पड़े, बहुत सारा करना पड़े, तब जाके आप लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। आज आप लोगों ने एक सामान खरीदा, 100 में से 50 गया, फिर उसके बाद रिक्शा भाड़ा दिया 20 रुपये, 30 रुपये उधर चला गया और रह गया 20 रुपये। ये हिसाब करना जितना आसान है उससे ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब सारा दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते रहे, तब जाके हम लोगों को हिसाब करने से पहले एक और चीज करना पड़ता है, वो है हिसाब रखना, वो है रिकॉर्ड करना। आज आप लोग को ये इंफॉर्मेशन दिया गया है कि आपके पास 100 रुपये थे, आपको 50 रुपये खर्च किया गया सामान पे और आपका 30 रुपये लगा रिक्शा भाड़ा में, तब जाके आपने हिसाब करके कैलकुलेट करके किया कि आप लोगों को 20 रुपये बचता है। बट ये सारे हिसाब, ये सारे कैलकुलेशंस तभी पॉसिबल होंगे जब आप लोगों को याद रहेगा कि ये सारे चीज हुए थे। अगर आपको यही याद ना रहे कि मम्मी से कितना रुपये लिया था तो कैसे पता चलेगा। वैसे ही एक बिजनेस में होता है, एक बिजनेस में सारे दिन में बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत से लेन देन होते हैं, तो सब कुछ का हिसाब तभी रखा जाएगा जब हम लोग लिखते हैं उसको, रिकॉर्ड करते हैं उसको, कि आज सुबह 9 बजे ये हुआ, 9:30 बजे ये हुआ, 10:15 बजे ये हुआ, तो जब हम लोग ये लिखेंगे तो रात को हम लोग आराम से बैठ के इसको हिसाब कर सकेंगे। क्योंकि ये सब चीज अगर हम लोग नहीं लिखते तो ह्यूमन मेमोरी में इतना चीज रिकॉर्ड नहीं हो पाता, ठीक है, इट्स नॉट अ मेमोरी कार्ड, सबको पता है। तो ह्यूमन मेमोरी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग के पास एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। सो एक्चुअली में बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का सबसे बेसिक चीज है जो हम लोगों को सबसे पहले पहले सीखना पड़ता है। वो हम लोग को सिखाता है हाउ टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन को, एक बिजनेस लेन देन को अपने अकाउंट्स में, अपने बुक्स में, अपने खाते पे कैसे लिखते हैं, ये हम लोगों को सिखाता है बुक कीपिंग। दैट इज वाई बुक कीपिंग इज सेड टू बी एन आर्ट, बुक कीपिंग इज सेड टू बी एन आर्ट और अ साइंस। क्या चीज का आर्ट एंड क्या चीज का साइंस, यहाँ पे आर्ट एंड साइंस का मतलब होता है आर्ट इज अ स्टाइल एंड साइंस इज अ नॉलेज। तो बुक कीपिंग एक आर्ट है, बुक कीपिंग एक नॉलेज है, क्या चीज का, ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, सही से लिखना, क्या लिखना, ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हो सब लिखना है, दैट रिजल्ट्स इन ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी इज वर्थ। अब सब ट्रांजेक्शन लिखना जरूरी है कि नहीं वो भी जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके दुकान पे एक स्टाफ काम करता है, उसको चोट लग गया, तो चोट लगने के कारण उसका पाँव में फ्रैक्चर आ गया, तो ये भी कुछ एक घटना घटा है, लेकिन उसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि उसका पाँव है वो जानेगा, मेरा बिजनेस के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। बट अगर उसको ट्रीटमेंट करवाना पड़ा और ट्रीटमेंट का खर्चा मैं करूँ तो वो हम रिकॉर्ड करेगा, बिकॉज वो मेरे को फाइनेंशियली अफेक्ट करेगा, तब मेरा पॉकेट में उसका इफेक्ट दिखाई देगा। सो दैट इज वाई दोज ट्रांजेक्शन्स आर ओनली रिकॉर्डेड विच हैव मनी वैल्यू, जहां पे ट्रांसफर ऑफ मनी या फिर मनी इज वर्थ होता है। व्हाट इज मनी, सबको पता है व्हाट इज मनी, मनी इज वर्थ, जैसे कि ये पैसा तो नहीं है लेकिन इसका पैसा का वैल्यू है, इसको मैंने 25 रुपये से खरीदा है,
सो इट हैज मनी वैल्यू और मनी इज वर्थ. सो जब ये या पैसा, अगर इसको बोलो तो 25 रुपए पॉकेट से निकाल के दो तो वो पैसा हो जाता है, ये सब जब ट्रांसफर होते हैं, आते जाते रहते हैं, उसी को ट्रांजेक्शन बोला जाता है. और वही सारे ट्रांजेक्शन को करेक्टली अपने खाते में लिखने को सिखाता कौन है? बुक कीपिंग. सो ये रहा बेसिक ऑफ बुक कीपिंग. बुक कीपिंग हम लोग को सिखाता है हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन. क्योंकि इसको बेसिक बेसिक में क्यों बार बार बोले जा रहा हूं, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो इसके बाद का स्टेप दैट इज अकाउंटिंग, मतलब ये वाला पोर्शन, ये निकालना है कि पॉकेट में कितना बचा है, इसको हिसाब करके निकालना पड़ेगा, इसको बोलता है अकाउंटिंग. अगर आप बुक कीपिंग नहीं करोगे तो आप अकाउंटिंग भी नहीं कर सकते. एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग को कौन सिखाता है? सब मिल के होता है अकाउंटेंसी. सो अकाउंटेंसी में सबसे पहले क्या सीखते हैं हम लोग? इट इज अ स्टडी ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. ठीक है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का स्टडी को बोलते हैं अकाउंटेंसी. ये दोनों जब हम लोग सीखते जाएंगे तो कौन सी क्या सीख रहे हैं? हम अकाउंटेंसी सीख रहे हैं. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द थ्री टर्म्स, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. आई होप क्लियर हुआ है. तो इससे और आगे जाने के लिए, इससे और आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को नेक्स्ट एक और चीज सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, वो है ट्रांजेक्शन. तो ट्रांजेक्शन क्या होता है? ट्रांजेक्शन इज बेसिकली एन इवेंट. ट्रांजेक्शन इज बेसिकली एन इवेंट और हैपनिंग. ट्रांजेक्शन इज बेसिकली एन इवेंट और हैपनिंग विच चेंजेस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस. जब एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन चेंज हो, जिस और उस घटने को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं नाउ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आपका एक स्टाफ का, दुकान का स्टाफ का पाँव टूट गया, तो वो भी एक घटना हुआ, लिटरली वो तो दुर्घटना हुआ, राइट? तो वो दुर्घटना, अच्छा हो खराब हो घटना ही होता है, तो दुर्घटना घटने के बाद तक मेरे पॉकेट से कुछ नहीं आया, मेरे पॉकेट से भी कुछ नहीं गया. सो इट डिड नॉट इफेक्ट अस फाइनेंशियली. कब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ? जब उसका डॉक्टर का ट्रीटमेंट का बिल मैंने भरा, मेरा पॉकेट से गया, मतलब बिजनेस का पॉकेट से गया, तब जाके वो ट्रांजेक्शन हुआ. सो इट इज एन इवेंट और हैपनिंग. कुछ एक घटना जब घटता है, चाहे वो दुर्घटना हुआ चाहे वो अच्छा बात हुआ, पर जब कुछ घटता है और जिसके कारण मेरा फाइनेंशियल पोजिशन चेंज होता है, मतलब अच्छा भी हो सकता है खराब भी हो सकता है, तो जाके उसको क्या बोला जाता है? ट्रांजेक्शन बोला जाता है. बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ट्रांजेक्शन मतलब जहाँ पे पैसों का लेन देन होता है उसी को बोलते हैं ट्रांजेक्शन. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको. आप लोगों ने तो बहुत जगह पे ऑनलाइन परचेजिंग किया होगा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जेबोंग. तो वहाँ पे आप लोगों ने एक बात आप सोचिए, अभी याद कीजिए, जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था, कोई आप में से कोई ने COD मतलब कैश ऑन डिलीवरी दिया था, और किसी ने प्रीपेड किया था, मतलब पहले ही ATM कार्ड से पेमेंट बा बैंक ट्रांसफर करके पेमेंट कर दिया था. इन दोनों में अंतर क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब हम लोग COD करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, जब हम लोग कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तब आप सोचिए, हम ऑर्डर प्लेस किया, मोबाइल निकाला, ऑर्डर प्लेस किया. अब ऑर्डर प्लेस करने के साथ साथ मेरे पास माल आ गया नहीं, मेरे पास वो सामान तो कुछ दिनों बाद आएगा. मैंने पेमेंट किया नहीं, वो पेमेंट भी हम कब आएगा? जब हमको डिलीवरी मिलेगा. सो क्या मैं बोलना चाहता हूँ वो है कि ना मेरा सामान आया ना मेरे से पैसा गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, सिर्फ मैंने ऑर्डर प्लेस किया, कुछ नहीं हुआ उसमें. सो इट डिड नॉट इफेक्ट मी फाइनेंशियली. सो दैट इज वाई वी कैन नॉट कॉल इट अ ट्रांजेक्शन. हाँ, ट्रांजेक्शन मैं कब बोल पाता? जब मैं प्रीपेड कर देता, सामान तो आया नहीं लेकिन पैसा तो गया मेरा, तो जाके ये क्या बन जाता? ट्रांजेक्शन बन जाता. सो टू बी अ ट्रांजेक्शन, नंबर वन, पहले बात तो क्या है कि वे मेरे को फाइनेंशियली इफेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन बनेगा. जब तक फाइनेंशियली इफेक्ट नहीं करता तब तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं बनता. और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, भगवान ना करे बट मेरा दुकान में आग लग गया, तो आग लगने के कारण तो अग्नि देवता पैसा देते नहीं है, राइट? तो अगर आग लग गया है और मेरा सामान जल गया है तो मेरे को फाइनेंशियली इफेक्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि मेरा सामान इतने रुपए का लॉस हो गया. तो इट अफेक्टेड मी फाइनेंशियली.
फाइनेंशियली, सो इट इज अ ट्रांजेक्शन. चोरी हो गया, चोर तो पैसा देके जाता नहीं है, राइट? तो अल्टीमेटली मेरे को पैसे से मतलब नहीं है, मेरे को फाइनेंशियली अफेक्ट करता है कि नहीं उससे मतलब है. अब जब मैं फाइनेंशियल वर्ड टू यूज कर रहा हूँ तो दिमाग में बहुत जन का शायद घूम रहा है पैसा पैसा पैसा. इट्स नॉट लाइक दैट. पहले तो आप ये क्लियर करो कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने के लिए या फिर फाइनेंशियल पोजिशन जज करने के लिए आपको पैसा देखने का जरूरत नहीं है. आज मेरे पॉकेट में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आज मेरे पॉकेट में 1 रुपये नहीं है, बट मेरे पॉकेट में 80,000 रुपये का फोन है, तो मेरा फाइनेंशियल पोजिशन अच्छा है? पैसे नहीं है लेकिन पॉकेट में 80,000 रुपये का फोन है. अगर 80,000 मेरे हाथ में नहीं होता तो मैं फोन कहाँ से खरीदता? सो दैट इज द थिंग. हमेशा पैसा ही फाइनेंशियल पोजिशन जज नहीं करता. आपका संपत्ति एसेट्स, वो सब एसेट्स एंड लाइबिलिटी सब जोड़ जाड़ के हम लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजिशन जज करते हैं. तो हमेशा पैसे से ही फाइनेंशियल पोजिशन तोला नहीं जाता, ये बात आप लोग क्लियर रखिएगा. और जो ट्रांजेक्शन या फिर जो इवेंट मेरा फाइनेंशियल पोजिशन में कुछ चेंजेस लाता है, चाहे अच्छा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हो या नेगेटिव चेंजेस हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन बोलते हैं. इसका और एक तरीके से बोलने के लिए हो सकता है कि एनीथिंग इज कॉल्ड ए ट्रांजेक्शन व्हेन देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जब सामान या सर्विस का एक्सचेंज होता है तो ही हम लोग उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सामान एक्सचेंज का मतलब मैं दुकान पे गया, बिस्किट खरीदा, पैसा लेके आ गया, सॉरी पैसा दे के आ गया, बिस्किट लेके आ गया. सो वो क्या बन गया, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. सामान आया, पैसा गया, इट्स एन एक्सचेंज ऑफ गुड. या फिर मैं अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो डॉक्टर मेरे को कोई सामान नहीं बेचता. अभी फिर आप सोचोगे कि डॉक्टर क्यों नहीं बेचता, सर डॉक्टर तो दवाई देता है. दवाई हम लोग फार्मेसी से खरीदते हैं, डॉक्टर हमको सिर्फ सर्विस देता है, सांस लीजिए बराबर वही करता है, और उसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ता है, हम लोगों को उसके बदले उनको पेमेंट करना पड़ता है. सो दैट इज इट कि हम लोग सर्विस के बिना पे जब पेमेंट करते हैं या फिर किसी सामान के अगेंस्ट हम लोग पेमेंट करते हैं, उसको बोलता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ठीक है, अब सर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, जान पहचान का आदमी था तो मैंने पैसा नहीं दिया, मैंने बोला अंकल मैं ये बिस्किट ले जाता हूँ, मैं कल परसों पैसा दूंगा, तो क्या वो ट्रांजेक्शन हुआ? हाँ वो भी ट्रांजेक्शन हुआ. कैसे सर? बिकॉज अंकल के दुकान से वो सामान निकल के आ गया तो अंकल को फाइनेंशियली अफेक्ट किया, और तुम्हारे घर पे वो सामान आ गया तो तुम्हारे घर पे भी वो फाइनेंशियली अफेक्ट किया. पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, सामान तो आया, उस सामान का वैल्यू तो है, तो मनी या मनीज वर्थ होना पड़ेगा, हमेशा मनी ही होगा ट्रांजेक्शन होने के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है. सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व, बट इट हैज टू बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. उस चीज को तुम मनी का मेजरमेंट से करना पड़ेगा. अगर मनी मेजरमेंट भी नहीं है उसमें, मनी वैल्यू भी नहीं है उसमें, तब जाके वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाएगा. इज दैट ओके? मैं फिर से और एक बार ट्राई करता हूं कि ट्रांजेक्शन क्या है. ट्रांजेक्शन ये एक ऐसा चीज है जिसके होने के वजह से मेरा बिजनेस में फाइनेंशियल चेंजेस आता है, या फिर डायरेक्टली बोलो तो क्या होता है कि मेरा जब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस होता है मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. हम एक्सचेंज करता है गुड्स, मतलब सामान लेके पैसा दे रहा है, या फिर सर्विस लेके पैसा दे रहा है, या सिर्फ सामान लेके आ गया पैसा नहीं दिया बट उस सामान का मनी वैल्यू है, तो उसको हम लोग ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं. सो बेसिकली तीन चीजें हम लोग को याद रखना है ट्रांजेक्शन होने के लिए. नंबर वन, फाइनेंशियल चेंज. नंबर टू, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड नंबर थ्री, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेस. तो ये तीन चीज जब होंगे तो हम लोग इसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं. सो ट्रांजेक्शन के बारे में एंड बुक कीपिंग के बारे में इतना ही कंसेप्ट है. आप लोग को अगर समझ में आया है तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, इसके ऊपर एक छोटा सा नोट बनाइएगा. इन द फर्दर क्लासेस हम लोग सीखेंगे कि ट्रांजेक्शन के टाइप्स क्या क्या है, क्या क्या तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, वो हम लोग इन द नेक्स्ट क्लास सीखेंगे. मैं वीडियोस छोटा छोटा बनाने का और एक रीज़न है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटा सा सेटअप हो जाए जिसमें से मैं अच्छा से वीडियोस बना पाऊँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा साउंड इशू हो रहा है, शायद आप लोग को भी मिला होगा.
फॉर द टाइमिंग आप लोगों को हेडफोन्स यूज करना पड़ेगा फॉर दैट, बट एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा कि इसको रेक्टिफाई कर पाऊँ। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास वी विल कम अपन अगेन विथ टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बुक कीपिंग। अभी खाली आप लोग यही समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग को सीखना है क्या बुक कीपिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे बाकी एस्पेक्ट्स के इसमें और क्या क्या होते हैं। ठीक है, आज का क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट क्लास वापस मिलेंगे।